हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के पर्पस से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, इवेलुएटिंग इंटरनेट रिसोर्सेज, गूगल्स सर्विस एट अ ग्लांस एंड ई रिसोर्स एट अ ग्लांस, ये तीन चीज़ अब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। इंटरनेट जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़ किया हुआ कंपोनेंट है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह अपने एक कवरेज को फास्टेस्ट एक्सेस के थ्रू लोगों तक पहुंच गया है। एक बहुत ही पावरफुल टूल है और रिवोल्यूशन हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग गूगल में अपने रिसर्च को एक्सेस करते हैं, रिसर्च के लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करते हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को या फिर नए नए पॉसिबिलिटीज़ जो अपने रिसर्च में हो सकते हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज हो गया, ई कंटेंट हो गए, वो सारे इंफॉर्मेशंस को वो हासिल करते हैं। अभी जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक ग्रेट जगह है, बहुत ही मानी हुई चीज़ है, और बहुत सारे रिसर्चर्स ने वहाँ पर सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू अपने रिसर्च को एकम्प्लिश किया है। एक हब ऑफ नॉलेज है जहाँ पे आपको स्क्रैच से लेके प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन तक हासिल होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और पेजेस हैं जो वेब में हम इजीली रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो या तो फ्री में दे सकते हैं या फिर मिनिमम कॉस्ट में आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और अनरेगुलेटेड और अनमॉनिटर्ड एक तरीके का हमारा सोर्स या फिर ऑपरेशन हो जाता है, और सेल्फ पब्लिशिंग मीडियम है, यहाँ पे कोई भी पब्लिश कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे प्रिंट सोर्सेस है, वेब सोर्सेस है जो कि प्रोफेशनली एक्सेप्ट नहीं होते और एडिटेड रहते हैं वो, और पूरे इंफॉर्मेशन आपको नहीं पहुंचाते। लेकिन जब आप इंटरनेट की बात करोगे तो इंटरनेट में आपको बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल मिलने के चांसेस है, और कुछ रैशनल चीज़ें भी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। तो आपको केयरफुल इवेलुएट करना पड़ेगा, वेब में अच्छे तरीके से ढूंढना पड़ेगा कि क्या सही सोर्स है और क्या गलत। माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है हर सब्जेक्ट में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, हमने हमारे बचपन से ही सुना है कि इंसाइक्लोपीडिया बनना या फिर किसी को बहुत सारे पर्टिकुलर चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना, तो हम उसे इंसाइक्लोपीडिया के नाम पे बुलाते हैं। विकीपीडिया भी एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ पे हर चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोफेशनल। गूगल जो है हमारे लिए एक एनाटॉमी ऑफ रिसर्च है जहाँ पे अपने स्टेटमेंट टाइप करेंगे और जब एंटर दबाओगे तो वो आपको बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। गूगल में अगर आपको कुछ सर्च करना है तो अंडर सम ऑफ द यूजफुल टर्म विच कैन रिफाइन योर रिसर्च रिजल्ट, तो आपको अगर कुछ रिसर्च करना है तो कुछ यूजफुल टर्म्स आपके लिए मैं बता रहा हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल बुक में आप कोई भी गूगल बुक सर्च कर सकते हो जहाँ पे फुल टेक्स्ट ऑफ अ बुक आपको अवेलेबल होगा, सो www.books.google.com। गूगल स्कॉलर्स में जब आप बात करेंगे तो आपके सर्च एंड एकेडमिक पेपर्स आपको मिलेंगे और एब्स्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और दूसरे स्कॉलरली जो प्रोजेक्ट है या फिर पेपर्स है वो आपको एज अ सोर्स अवेलेबल होंगे। अगर आपको पेटेंट सर्च करना है तो पेटेंट सर्च के लिए एक रिप्रेजेंट इंडिविजुअल पेटेंट जो है वो आपको गूगल में मिलेगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, पेटेंट करके सर्च करना है एंड देन वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। देन bartleby.com जो है वो आपको बेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन, वाइड रेंज ऑफ क्लासिक ऑथर्स को रेफरेंस बुक को प्रोवाइड करता है। देन एक ऑनलाइन बुक पेज है digital.libraryupenn.hu, यहाँ पे ऑनलाइन बुक पेज है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया की लाइब्रेरी का, जहाँ पे 25,000 से ज़्यादा ई बुक अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अवेलेबल है। MIT ने भी एक ओपन कोर्स वो वेयर शुरू किया है जहाँ पे 500 कोर्स मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन जर्नल जो पब्लिश हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो ऑफन हमारे इंटरनेट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर आपके लिए कुछ ओपन एक्सेस जर्नल चाहिए तो वो www.doj.org में अवेलेबल हो सकता है, जहाँ पे 2514 जर्नल्स से ज़्यादा डायरेक्टरी अवेलेबल है। करंटली 747 जर्नल्स वहाँ पे सर्चेबल है, और करीबन 124,159 या फिर लगभग 160 ऐसे आर्टिकल्स वहाँ पे इंक्लूडेड है। न्यू जॉर, फ्री फुल टेक्स्ट,
ओपन्स गेट, ऐसे अलग अलग आपके पास सोर्सेस है जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स माने सकते हैं और ई रिसोर्सेस के नाम पे भी हम उन्हें बुला सकते हैं। और पब्लिक लाइब्रेरीज, बायोलिन इंटरनेशनल, बायोमेड सेंट्रल, यूनेस्को सोशल एंड ह्यूमन साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ऐसे अलग अलग सोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है। अगर आप प्रोफेशनली कोई रिसर्च करना चाहते हो तो आपके लिए ये साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बैकग्राउंड रिसर्च क्या है और कौन से मेथड से हम बैकग्राउंड रिसर्च कर सकते हैं।